बहुत सारी बारिश के बाद ये पानी का बहाव भी बहुत तेज हो चुका है, क्योंकि हमें इसका घर मिल गया। ये रोज हमें दौड़ाता है ये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज रात भर और सुबह तक, बल्कि कहें कल रात से सुबह तक, आज झमाझम बारिश हुई है। और ये कुछ सुबह का ऐसा कुछ व्यू आ रहा है, पूरा जो बादल ऐसा लग रहा बरस गया है। और जो माउंटेन्स हैं जो कल बिल्कुल ही नहीं दिख रहे थे, वो भी अब क्लियर दिखना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मैं भी दिखाता हूँ, जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, ये जो बारिश होती है तो पानी का जो रंग बदल जाता है, ये देखिए, ऐसा लगेगा जैसे बाढ़ आ गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पानी का फ्लो बढ़ गया है। ये देखिए ज़रा, चाहे बारिश हो ना हो, हमें तो यूनिवर्सिटी जाना है अपने टाइम पे, तो हम यूनिवर्सिटी के लिए फटाफट निकल चुके हैं और यूनिवर्सिटी में चलते हैं। फाइनली दोस्तों, बहुत सारी बारिश के बाद ये पानी का बहाव भी बहुत तेज़ हो चुका है, क्योंकि इसमें पूरा बारिश का पानी सब पहाड़ों से होते हुए है, इसमें मिक्स हो चुका है। बाकी हमें अब जाना है यूनिवर्सिटी। तो मेले की तैयारी चल रही है यहाँ पर ज़ोरों शोरों से, और हम चलते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पास में ये तैयारी चल रही है, ये हमने तैयारी अच्छी खासी चल रही है मेले की। बाकी हम चलते हैं यूनिवर्सिटी। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पे सब लोग अभी कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है अभी भी। कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम जाते हैं कैंटीन पर दोस्तों। ये है हाँ RIPRI स्टेडियम, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट लेके वापस से घर हमेशा की तरह। और सुबह जो झमाझम बारिश हुई थी, उसकी जगह पे आप देखेंगे अभी धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में भी। माउंटेन्स के नीचे जो घर वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में इस टाइम पे, आप अगर आप देखें तो। दोस्तों हम जा रहे हैं जंगलों के बीच से अब घर की तरफ। तो दोस्तों अब रात हो चुकी है और हम लोग निकले हैं फिर से एक बार टहलने के लिए। और आज अगर आप ध्यान दीजिए तो आज स्ट्रीट लाइट सारी की सारी जल रही हैं, जो कि कल तक नहीं जल रही थी लाइन से, ये सब। और ऐसे ही पीछे भी जल रही हैं सारी लाइट्स, जो कि पहले ऐसा मतलब कल तक तो नहीं जल रहा था, लेकिन अब जल रहा है। तो हम लोग इनसे मिलने आए थे, अब हम लोग सोच रहे हैं वापस जाते हैं, तो चलते हैं वापस से घर। दोस्तों रात में कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, ये देखिए, और वो दूर आप देखेंगे जो आपको रेड कलर का थोड़ा शेडो दिख रहा है, वो है कोहरे की वजह से जो लाइट है वैसी स्प्रेड हो गई थी स्टेडियम की। ये देखिए, ये है वो स्टेडियम की लाइट। हमें इसका घर मिल गया, ये रोज़ हमें दौड़ाता है, ये रोज़ हम लोग ऐसे यहाँ पे डराता रहता है। आज इसका घर देख लिया हमने, कोई नहीं बैठने तो, इनकी भी ज़िंदगी है, मस्त जी रहे हैं आराम से। और रात में जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर आप ये देखिए ज़रा पत्तों को, क्योंकि लाइट इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसके ऊपर। और अब तो लग रहा है बारिश भी शुरू हो गई है, ये देखिए बारिश स्टार्ट हो रही है अब। दोस्तों ये बारिश नहीं है, दरअसल अभी बारिश हुई थी और इस पेड़ के ऊपर जितने पानी की बूंदी थी वो गिरने लगी अचानक से, क्योंकि कोई पंछी बैठ गया था शायद ऊपर। हम लोग को लगा कि बारिश शुरू हो गया है, और ये देखिए लाइट काफ़ी अच्छा जो है स्प्रेड हो रहा है, स्टेडियम की लाइट है ये। ये देखिए क्योंकि फॉग है पूरे उसके ऊपर, इसकी वजह से शायद काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है दूर से देखेंगे जब आप। तो थोड़ा थोड़ा ठंड का एहसास करिए, ये देखिए अभी हम लोग एकदम नेचुरल पानी भर के लाए हैं, और जो ठंडियों में जिस तरीके से हम लोग जब पानी भरते हैं तो जो वेपर्स आ जाते हैं, कुछ वैसा हाल इस पर आप देख सकते हैं इस टाइम पे। ये देखिए पूरा एकदम ठंडे पानी की तरह हो गया है, और ठंडा है भी एक्चुअल में ये। और अभी ये हाल है तो सोचिए ठंड में क्या होगा इसका। ये रहा अपना ठंडा पानी, चलते हैं घर। तो इनको बोलिए हाय और हमको बोलिए बाय, क्योंकि अब हम जा रहे हैं आपके साथ से थोड़ा दूर, क्योंकि अब मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। और ये देखिए फिर से लाइट स्प्रेड हुई अच्छी खासी स्टेडियम की, फिर कलो कलर हो गया आप। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं, टाटा बाय बाय नमस्ते। और ये देखिए पानी जो कि बहता ही जा रहा है, इधर दिख नहीं रहा है इसमें, कोई नहीं, चलते हैं, टाटा बाय बाय।